दोस्तों क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन लेना अब आसान नहीं होगा क्योंकि आरबीआई ने इस पर नियम सख्त कर दिया है। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल के साथ समझेंगे कि आरबीआई ने ऐसा कौन से नियम सख्ती कर दिया है जिससे हम लोगों को क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन लेने में दिक्कत हो सकती है। ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से INDIE हिंदी टेक चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, जो क्रेडिट कार्ड होता है और पर्सनल लोन होता है वो अनसिक्योर लोन होता है। देखो, क्रेडिट कार्ड अगर फिक्स डिपॉजिट करके लेते हो तो वो तो सिक्योर क्रेडिट कार्ड कहलाता है, लेकिन आपको ऐसे ही जैसे आपका सिविल बेस्ड पर या फिर जो आपका हिस्ट्री रहता है क्रेडिट हिस्ट्री, उस भी हाफ पर लिमिट दिया जाता है और अप्रूवल किया जाता है, जिसके बदले में आपसे कुछ लिया नहीं जाता, ना FD करवाया जाता, ना कुछ गिरवी रखवाया जाता है, तो उस स्थिति में वो आपका होता है अनसिक्योर लोन। और आप अगर पर्सनल लोन लेते हैं तो वो भी अनसिक्योर लोन होता है, क्योंकि पर्सनल लोन में ये आपसे नहीं कहा जाता कि आप ये पेपर दो या फिर FD करो वगैरह वगैरह, तो ये भी होता है अनसिक्योर लोन। तो जितने भी अनसिक्योर लोन है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो या फिर अनसिक्योर पर्सनल लोन हो, उस पर RBI ने नियम को सख्त किया है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के अनसिक्योर लोन लेकर बीते गुरुवार को एक प्रेस रिलीज जारी की और केंद्रीय बैंक ने इसमें कहा कि अब बैंकों और नॉन बैंकिंग कंपनियों को अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो के लिए ज्यादा पूंजी अलग रखने की आवश्यकता होगी। आपको बता दूं कि जो भी ये पर्सनल लोन जो अनसिक्योर्ड लोन देते हैं उसमें वो जो है अलग से उनको पूंजी रखना पड़ता है। RBI का ये कहना है कि यह पूंजी पहले से 25% ज़्यादा रखनी होगी। जहां पहले 100% अलग पूंजी रखी जाती थी, वही अब बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को 125% कैपिटल अलग रखने की ज़रूरत होगी। जी हाँ, और आपको ये बता दूं, जो आपको अनसिक्योर्ड लोन मिलता है या अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड मिलता है उसमें क्या करता है कि पूंजी अलग रखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि बैंक या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी 5 लाख रुपया का पर्सनल लोन दिया, तो पहले उनको 5 लाख रुपया पर 100% के अनुसार से 5 लाख रुपया अलग रखना होता था, लेकिन अब जो नया नियम इसमें जोड़ा गया, जो नियम को सख्ती किया गया, इसमें 25% ज़्यादा रखना पड़ेगा। जहां 5 लाख रुपया पहले अलग रखना पड़ता, वहां पर 6,25,000 अलग रखना पड़ेगा। इसे एक और एग्जांपल से समझती है। किसी बैंक या NBFC के पास 10 लाख रुपया टोटल है, उसमें से वो 5 लाख रुपया जो है पर्सनल लोन दे देती है और 5 लाख रुपया जैसा RBI का रूल है उस हिसाब से वो अलग रख देती है। यानी 10 लाख रुपया में ग्राहक को 5 लाख का लोन मिल गया, लेकिन अब क्या, 10 लाख रुपया किसी कंपनी के पास है तो ग्राहक को 5 लाख रुपया वो लोन नहीं दे सकती, क्योंकि 5 लाख का 125% देखा जाए तो 6,25,000 उनको अलग रखना पड़ेगा। तो 6,25,000 वो अलग कहां से रखेंगे जब उनके पास 10 लाख रुपए ही है, तो इसलिए उनको लोन कम दिया जाएगा क्योंकि 125% उनको अलग रखना है। अच्छा, आप लोग सोचते होंगे कि आखिर RBI ने ऐसा फैसला क्यों लिया और क्यों लगाया ऐसा नियम, क्यों सख्ती किया इस नियम को, तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा। पिछले कुछ समय में पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड में तेजी ग्रोथ देखने को मिला। पिछले साल बैंक लोन ग्रोथ को अनसिक्योर लोन ने बड़े मार्जिन से पीछे छोड़ दिया। खास तौर पर क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन में असामान्य बढ़ोतरी देखी गई। पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड की संख्या में इजाफा हुआ है, तो वही डिफॉल्ट के मामले भी ज़्यादा आए हैं और समय पर पेमेंट के मामले कम हुए हैं। ऐसे में RBI ने इस तरह के लोन के नियम को सख्त किया है। देखा गया कि भाई NBFC जिसको मन उसको लोन बांट रही है, और देखा गया कि बहुत ऐसे वीडियोस भी आप देखे होंगे जो लोन लेकर चुका नहीं पा रहे हैं, काफ़ी सारे कंप्लेन भी आ रहे हैं और समय से लोन नहीं चुकाया जा रहा या फिर डिफॉल्ट हो जा रहे हैं, मतलब मेरे पास नहीं है भाई, जाओ नहीं दूंगा, इस तरह की बातें। तो इस चीज़ को देखते हुए RBI ने इस नियम को सख्त कर दिया और सख्त करते हुए कहा कि ठीक है, आपके पास जो भी पैसे हैं उसमें से जितना आप लोन दोगे जो कि अनसिक्योर लोन, उसका 125% आप अलग रखोगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है, नियम को सख्त कर दिया गया है। और इससे ग्राहकों को ये दिक्कत आएगा कि पहले आसानी से 100% वाला बात था तो वो रख लेते थे, आसानी से उनको लोन मिल जाता था, ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाता था, लेकिन अब कंपनी के पास जो अमाउंट रहेंगे उसमें से जो आपको लोन देंगे उसका 125% उनको अलग से रखना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं, या तो कम लोगों को लोन मिलेगा या फिर लोन की अमाउंट कम मिलेंगे। तो कुल मिलाकर ये जानकारी मैंने दे दिया। लास्ट में ये भी बता दूं कि ये अनसिक्योर लोन के बारे में बात हुआ,
जैसे कार लोन, होम लोन, ये सब जो है सिक्योर लोन होते हैं, या FD बेस्ड क्रेडिट कार्ड, ये सब सिक्योर होता है, ठीक है। अनसिक्योर के बारे में मैंने बात किया, जिसके लिए आप कुछ भी गिरवी नहीं रखते हो या कुछ भी आप बैंक के पास जमा नहीं रखते हो, ये होता है अनसिक्योर लोन। मिलता हूँ दोस्तों फिर एक नए वीडियो में। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिए। क्या आपके पास भी क्रेडिट कार्ड या फिर कोई लोन है कमेंट करके बताइएगा, और सिक्योर है या अनसिक्योर जरूर बताइए। धन्यवाद।